अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज मेरी रेसिपी में है शामी बर्गर। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये शामी कबाब है, जो ये मैंने इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी, बीफ शामी कबाब है ये। तो इनको पहले इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर, ये हर घर में पड़े होते हैं, बना के रखे होते हैं हर किसी ने, तो मैंने भी ये बना के रखे हुए थे, तो इसलिए हमें आसानी हो जाए। अब देखते हैं, ये साइड नीचे एक साइड हो चुकी है, साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है, इनकी भी साइड चेंज कर देते हैं। अब ये हमारे शामी रेडी है, इनको हम निकाल लेते हैं पैन से। अब हमने इसी ऑयल में एक एक करके हमने अंडा फ्राई करना है। तो अंडे में मैंने सिर्फ नमक यूज़ किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया, इस आइडियन की है हमने। तो ज़्यादा नहीं पकाना, बस लाइट सा रखना है, बस यही कलर रखना है रेड का। चलो अब हमने जो बंद है उनको सेक लेना है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेना है। पहले एक साइड से करते हैं, फिर दूसरी साइड से भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। अब ये देखें कलर आ चुका है, इधर दूसरी साइड से भी कर लेते हैं ऐसे ही। बस हो गया ये, अब इनको बनाते हैं। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। आप चाहे तो केचप का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने चिली गार्लिक ली है। अब इसको शामी को इसके ऊपर रख के चम्मच के साथ आपने ऐसे फैला लेना है इसको पूरा बन के ऊपर, हाँ कि ये पूरी आ जाए इसके ऊपर। और वेजिटेबल आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह का मर्ज़ी इस्तेमाल करें। मैंने ये बंद गोभी और इसके अंदर प्याज मिक्स किया है, जितनी चाहे आप मर्ज़ी थोड़ी रखनी है या ज़्यादा रखनी है वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर, अब इसके ऊपर मायोनीज लगा लेते हैं। चलिए मेरे पास अब ये इसके ऊपर लगाएंगे टेस्ट के हिसाब से, आप कर सकते हैं इसके ऊपर। अब हमने इसके ऊपर भरा अंडा लगा के फिर हमने इसके ऊपर ग्रीन चिली लगाई है। अब हमने इसके ऊपर वाला पोर्शन इसके ऊपर रख देना है। और ये देखें ना, ज़बरदस्त बर्गर शामी रेडी है। इस शामी बर्गर रेडी हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी गाँव में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।